आखिर हम सब जानते हैं कि जो आपके फ़ोन की जो बैटरी है वो इतनी चलती नहीं है, मतलब आपके फ़ोन की बैटरी को चार्ज होने में भी ज़्यादा टाइम लगता है और उसका जो बैटरी का बैकअप है एक दिन दो दिन इससे ज़्यादा चलता भी नहीं है, और लगभग 1000 चार्ज साइकिल कंप्लीट होने के बाद तो वो बैटरी डिग्रेड भी होने लगती है और समय के साथ साथ उसका जो बैटरी बैकअप है वो भी कम होने लगता है। लेकिन क्या हो अगर आपकी पूरे फ़ोन की जो बैटरी है वो सिर्फ 20 सेकंड के अंदर ही चार्ज हो जाए और उसका जो बैटरी बैकअप है वो एक हफ्ते या फिर मैं कहूँ एक महीने तक चले, तो ये कैसा रहेगा? तो ये चीज़ पॉसिबल है सुपर कैपेसिटर के साथ। तो आखिर ये सुपर कैपेसिटर होता क्या है? तो जो कैपेसिटर होता है उसके साथ ये प्रॉपर्टी रहती है कि वो जल्दी चार्ज होता है और जब डिस्चार्ज होता है तो वो भी जल्दी होता है और उसके अंदर जो एनर्जी का लॉस है ना वो भी काफी कम होता है। अगर हम बात करें नॉर्मल किसी फोन की बैटरी की तो वो स्लो चार्ज होती है और वो स्लो डिस्चार्ज होती है, और जब वो डिस्चार्ज हो रही होती है तो उसके अंदर जो एनर्जी का जो लॉस है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है, इसलिए कभी कभी आपकी जो बैटरी है वो गर्म भी हो जाती है। लेकिन अगर हम बात करें सुपर कैपेसिटर की तो सुपर कैपेसिटर जो है वो कैपेसिटर और जो बैटरी है दोनों का ही मिक्सचर है। मतलब सुपर कैपेसिटर के साथ ये प्रॉपर्टी है कि वो फास्ट चार्ज होगा, यानी कि वो जल्दी चार्ज होगा एक नॉर्मल कैपेसिटर की तरह, लेकिन वो अपने अंदर ज्यादा चार्ज को भी होल्ड कर पाएगा और वो बैटरी की तरह स्लो डिस्चार्ज भी होगा, और हाँ कैपेसिटर की तरह इसके अंदर भी एनर्जी का जो लॉस है वो कम देखने को मिलेगा और एक कंपैरेटिवली जो बैटरी है उससे ज्यादा एनर्जी को होल्ड कर पाएगा। अगर हम आइडियल केस की बात करें तो सुपर कैपेसिटर को चार्ज होने में सिर्फ 20 सेकंड लगते हैं और 20 सेकंड के अंदर वो इतना चार्ज होल्ड कर सकता है जितना एक नॉर्मल बैटरी होल्ड नहीं कर सकती। जो कैपेसिटर की जो चार्ज होल्ड करने की जो कैपेसिटी है वो ज्यादा होती है। सीधी भाषा में अगर सुपर कैपेसिटर का यूज बैटरी की तरह होता है तो वो ज्यादा MAH यानी कि ज्यादा मिली एम्पीयर की जो एनर्जी है वो सेव कर पाएगा अपने कैपेसिटर के अंदर, और इसके अंदर जो एनर्जी का लॉस है ना वो भी काफी कम होगा। इसका मतलब ये है कि फोन को यूज करते समय जब बैटरी गर्म हो जाती थी यानी कि जो एनर्जी का लॉस जो हीटिंग में होता था ना तो वो देखने को नहीं मिलेगा और आपके फोन को ज्यादा लंबा बैटरी बैकअप भी देखने को मिलेगा। और अगर सुपर कैपेसिटर बैटरी की तरह यूज होता है तो सीधी बात है कि ये बैटरी से ज्यादा पतला और हल्का होगा, मतलब आपके फोन को और हल्का बनाएगा और आपका जो फोन है वो जल्दी चार्ज हो जाएगा और काफी ज्यादा लंबे समय तक चार्ज होगा। लेकिन आज की डेट में सुपर कैपेसिटर की जो बात है वो सिर्फ थ्योरेटिकल है और साइंटिस्ट अभी भी काम कर रहे हैं कि किस तरीके से एक सुपर कैपेसिटर को फोन के अंदर इम्प्लीमेंट किया जाए, लेकिन आने वाले समय में एक गारंटीड है कि आपको फोन के अंदर सच में सुपर कैपेसिटर देखने को मिलेगा और उस समय जो फोन्स होंगे ना वो 20 सेकंड में चार्ज हो जाएंगे और एक हफ्ते या फिर क्या पता एक महीने तक चले, तो ये भी एक कमाल की बात होगी। बाकी आप लोग बताओ कि आप लोग देखना चाहोगे सुपर कैपेसिटर को अपने फोन के अंदर। थैंक यू आपका वीडियो देखने के लिए, मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।